दोस्तों, आप लोगों ने ऐसी बहुत सी घटनाएं सुनी होंगी और देखी भी होगी जहां पर कोई इंसान किसी औरत का या किसी का भी वीडियो बना लेता है, एक अश्लील वीडियो, और उसके बाद वो उसे वो वीडियो दिखाकर, वो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे अपना मनचाहा काम करवाता है, पैसे मांगता है या कुछ भी ऐसा होता है जो उस वीडियो के वायरल होने की धमकी देकर उससे करवाता है। दोस्तों, आज जिस घटना के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ वो घटना भी कुछ ऐसी है जहाँ पर एक व्यक्ति ने अपने पड़ोस में रहने वाली एक शादीशुदा महिला का अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर लिया और वो वीडियो उसे दिखाकर उसको धमकी देने लगा कि अगर तुम मेरे साथ नाजायज रिश्ते नहीं करोगी, नहीं स्थापित करोगी या नाजायज रिश्ते नहीं बनाओगी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। दोस्तों, उसके बाद इस घटना में आगे क्या हुआ पूरी कहानी आपको इस वीडियो में बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहे, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ASN क्राइम अफेयर चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ जहाँ पर पड़ोस का रहने वाला एक व्यक्ति शादीशुदा मुस्लिम महिला पर गंदी नजर रखता था। एक दिन उसने महिला का नहाते हुए वीडियो बना लिया। इसके बाद उसने महिला को वीडियो दिखाकर, वो वीडियो वायरल करने की धमकी देकर इसका फायदा उठाकर वो उस शादीशुदा महिला के साथ लगभग 2-3 महीनों से नाजायज रिश्ते बना रहा था, यानी कि संबंध बना रहा था। दोस्तों, इस पड़ोसी ने जो किया है, चलिए आपको पूरी घटना बताता हूँ। दोस्तों, यह घटना मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से सामने आई है। यहाँ दानिश नाम का एक शख्स अपने पड़ोस में रहने वाली सीमा नाम की शादीशुदा महिला पर लगातार गंदी नजर रखता था। वो महिला के साथ किसी भी तरह से अपने नापाक इरादों को अंजाम देना चाहता था, यानी वो उसके साथ प्रेम प्रसंग करना चाहता था, वो उसकी इज्जत के साथ खेलना चाहता था। दोस्तों, एक दिन महिला अपने छत पर बने बाथरूम में नहाने के लिए गई। जैसे ही महिला बाथरूम में घुसी, मौका देखकर वो इंसान अपना छत नाक कर, यानी कि उसके बगल में ही रहता था तो अपना छत कूद कर उसके छत पर गया और फिर उसने बाथरूम में लगे खिड़की से महिला का नहाते हुए वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। और उसी दिन से वो मौका ढूंढने लगा कि वो वीडियो कब जाकर उस महिला को दिखाए और उसे धमकी देकर उसके साथ अपना मनचाहा काम करवा सके। दोस्तों, एक दिन जब वो महिला अपने घर पर अकेली थी तभी उसका पड़ोसी उसके घर गया। उसने वो वीडियो दिखाकर उस महिला को धमकाने लगा कि मेरे साथ अगर तुम नाजायज रिश्ते नहीं बनाओगी तो मैं ये वीडियो वायरल कर दूंगा। दोस्तों, महिला वो वीडियो देखकर अपनी बदनामी की वजह से डर गई और फिर उस पड़ोसी ने महिला के साथ जबरन अपनी इच्छा को पूरा कर लिया, जिसके बाद उस महिला के साथ वो वीडियो दिखाकर लगातार वायरल करने की धमकी देकर वो उसके साथ कई महीनों तक दुष्कर्म करता रहा। दोस्तों, आखिर महिला के सब्र का बांध एक दिन टूट गया और उसने थाने जाकर आरोपी पड़ोसी के खिलाफ ब्लैकमेल करके 2 महीने से लगातार उसके साथ दुष्कर्म करने की रिपोर्ट थाने में दर्ज करवा दी। रिपोर्ट दर्ज होते ही पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए आरोपी पड़ोसी को गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ करना शुरू कर दिया। दोस्तों, पुलिस के द्वारा पूछताछ में वो पड़ोसी डर गया और उसने अपना सारा जुर्म पुलिस वालों के सामने कबूल कर लिया। उसके बाद दोस्तों, पुलिस वालों ने उसे गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई के लिए कोर्ट ले जाकर उसे जेल भेज दिया। तो दोस्तों, मेरा सभी महिलाओं से आग्रह यही है कि अगर कोई इस तरह वीडियो बनाकर और उसे वायरल करने की आपको धमकी देकर आपको परेशान करे तो तुरंत इस बारे में अपने घर वालों को बताएं, उनके साथ जाकर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराएं, क्योंकि अगर आप लोग ऐसे ही लोगों के डराने धमकाने से डरती रहेंगी और कोई भी काम या कोई भी ऐसा मामला है जो अपने घर वालों को अपनी इज्जत और बदनामी की वजह से नहीं बताएंगी तो वो आरोपी लगातार आपको वो वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता रहेगा और लगातार आपके साथ ऊंची नीची हरकतें करता रहेगा और अपनी मनमानी का काम करवाता रहेगा। इससे बेहतर ये है कि आप अपनी आबरू को बचाएं और वो आरोपी आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करे, इससे पहले ही आप लोग अपने घर वालों को ये सारा मामला बता दें ताकि ये मामला इस नौबत तक ना आए। तो दोस्तों, आप लोग भी ऐसी आपराधिक मानसिकता रखने वाले लोगों की पहचान करें, उनसे सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने घर परिवार को सुरक्षित रखें, अपने यार दोस्त को सुरक्षित रखें और लगातार ऐसी घटनाओं के बारे में जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।